वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और आज की वीडियो में भाई काफी परेशान है ये शिक्षक जिसने ये मुझे कमेंट किया है कि क्या ट्यूशन में हम फोन का यूज करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात बताइए कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आपसे कहा जाए भगवान की पूजा करनी है, तो भगवान की पूजा में आपसे कहें धूप बत्ती लगाना जरूरी है, अगरबत्ती लगाना जरूरी है, उनके सामने जोत जलाना जरूरी है, या फिर कोई भी अरदास किसी भी रिलीजन के हो उसके कुछ नियम होते हैं ना, कुछ काम करने के तरीके होते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि उनमें से कोई चीज अगर आपने स्किप कर दी या फिर कुछ चीज बढ़ा दी तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई आपदा आ जाएगी। यानी कि भगवान की अरदास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। द अल्टीमेट गोल इज कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं, ये आपका अल्टीमेट गोल होता है। सेम प्रोसेस टीचिंग का है कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, द अल्टीमेट गोल इज कि आपके बच्चे को वो बात समझ में आ जाए। उसका जरिया कोई भी हो सकता है, बस वो जरिया इतना मेंटल प्रेशर वाला ना हो बच्चे के ऊपर कि बच्चा अपने बचपन को भूलकर उस मानसिक जो प्रताड़ना देने की उसे कोशिश करते हैं इंस्टेंट कि वो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उसमें ना खो जाए आपका बच्चा। कोई भी एंटरटेनिंग तरीका जो आपको लगता है फ्रूटफुल है, आपको वो चीज पढ़ के बड़ा मजा आ रहा है, उस चीज से समझ के बड़ा मजा आ रहा है, आपके स्टूडेंट को भी बड़ा मजा आएगा, तो डेफिनेटली आप उसे अपने बच्चों के साथ यूज करें। अगर उसका रिजल्ट आपको लगता है बहुत अच्छा आपकी टीचिंग में देखने के लिए मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उसे अपने बच्चों के साथ यूज करें। पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, सब लोग यही चाहते हैं कि बच्चे को कुछ अच्छा समझ में आए। भाई आप बात करें, मैं अपने घर में भी जब मुझे रिक्वायर्ड लगता है तब अपने बच्चे के साथ फोन से उसे बहुत सारी चीजें जो है दिखाकर समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो उसके पीछे कोई मुझे नहीं लगता कोई गाइडलाइन कोई रूल होता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं फोन के साथ, पर ऐसा नहीं है कि आप अपने ही कामों में व्यस्त हो गए और बच्चे को आपने ट्यूशन में फोन पकड़ा दिया कि आप इसे पढ़ लीजिए, दैट मीन्स वो चीज तो वो घर पे भी कर सकता है। शायद अगर आपको किसी पेरेंट्स ने टोका हो तो इस वजह से टोका हो, जैसा मुझे लगता है। अगर आप अपनी हाजिरी में अपने सामने चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद बच्चे को फोन के थ्रू भी चीजें समझा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है वो आपको अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपके समझ में आई हो, आप इसे अप्लाई करेंगे। बाकी टीचर्स भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी फोन एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, आप इसे बच्चों के साथ यूज करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओरली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डायग्राम बनाना इज वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप फोन की हेल्प लेकर बच्चों को चीजें जो है वो क्लियर लाइव दिखा सकते हैं। यहाँ किसी स्मार्ट क्लास की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपके पास 8 से 10 बच्चे होते हैं जो फोन और लैपटॉप के थ्रू या टैब के थ्रू आपकी चीजें इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके काम की होंगी, आप इसे जरूर अप्लाई करेंगे अपने बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे सुना, इतना टाइम दिया, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें बगैर बिल्कुल नहीं जाना।